हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन स्टूडेंट ग्रुप चैनल। आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में समझेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को समझने का पहले हमें यह पता होना चाहिए, व्हाई डू वी स्टडी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में डिफरेंसेस क्या है, उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को डेप्थ में समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि हम लोग क्यों यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को, और पैरेलल कंप्यूटिंग और पैरेलल डेटाबेस जो होती है उसका क्या पर्पसेस है। सो लेट्स स्टार्ट विथ पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन पैरेलल वे। तो इस वीडियो लेक्चर को आप देखने के बाद जवाब दे पाएंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सो बाय नेम इटसेल्फ यू कैन डिफाइन पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो पैरेलल का मतलब यह हुआ कि पैरेलली एग्जीक्यूशन हो रहा है और गिवन प्रॉब्लम का एग्जीक्यूशन जो होगा पैरेलल होगा। बट डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होगा कि मल्टीपल सिस्टम्स आर अवेलेबल एंड प्रॉब्लम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच कंप्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट विथ पैरेलल कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमने लिया है एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर साइमल्टेनियसली। तो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और यू कैन से दैट दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। यहाँ पे क्या है कि आपके पास बहुत सारे टास्क हैं एंड बहुत सारे प्रोसेसर हैं। सो जितने भी टास्क हैं वो साइमल्टेनियसली प्रोसेसर द्वारा सॉल्व किए जाएंगे और प्रोसेसर को असाइन किए जाएंगे मल्टीपल टास्क एंड इट विल रिटर्न द रिजल्ट इन वेरी फास्ट वे। एंड अनदर एडिशनल पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर, पैरेलल कंप्यूटिंग में शेयर्ड मेमोरी होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, शेयर्ड मेमोरी होगा। जब शेयर्ड मेमोरी है इसका मतलब है कि कॉमन एड्रेस स्पेस पे काम हो रहा है। अब यदि हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम क्या हुआ, मल्टीपल कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड वाया नेटवर्क टू कम्युनिकेट एंड कोलेबोरेट इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टास्क दिया जाएगा, एक टास्क को सोल्व करने के लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स आर अवेलेबल, हर कंप्यूटर के पास अपना डेटाबेस होगा, अपना मेमोरी होगा। अब उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करेगा मल्टीपल सिस्टम एंड डेटाबेस एंड मेमोरी आर अवेलेबल देयर। तो इस बात को आप समझें, पैरेलल कंप्यूटिंग में हमने बताया सिंगल कंप्यूटर होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड में मल्टीपल कंप्यूटर्स होगा। यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी है लेकिन यहाँ पे अपना इंडिविजुअल मेमोरी और डेटाबेस होगा। यहाँ पे क्या बोला गया, कॉमन एड्रेस स्पेस है बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस स्पेसेस है। सेकंड पॉइंट आई हैव टेकन हियर, पैरेलल कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स कंकरेंसी एंड सेव्स टाइम एंड मनी। तो फ्रेंड्स, ये बोला कि टाइम को भी सेव करेगा एंड मनी को भी सेव करेगा। तो टाइम सेव होने का क्या मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा कि सेम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वी हैव मल्टीपल प्रोसेसर, तो ऑब्वियस है कि ये बहुत ही फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो कंकरेंसी को हम लोग इस डायग्राम से समझें, वी हैव अ प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम हैज बीन ब्रोकन इनटू इंस्ट्रक्शंस, सो वी हैव मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एंड अदर साइड वी आर सीइंग हियर मल्टीपल प्रोसेसर्स। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो सेम टाइम में मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। कंकरेंसी का मतलब क्या हुआ कि सेम टाइम में आप मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहे हो और एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो अब बात यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि पैरेलल कंप्यूटिंग हम लोग कहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो रियल टाइम और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैरेलल कंप्यूटिंग का होना जरूरी है। इफ वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम देन कंकरेंसी इज बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एज कंकरेंट एक्सेस नाउ नीड्स टू बी चेक्ड ओवर अ नंबर ऑफ साइट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या था पैरेलल कंप्यूटिंग में कि सेम टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है और एग्जीक्यूट किया जा सकता है सेम टाइम में, दैट इज नथिंग बट कंकरेंसी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यू हैव डिफरेंट डिफरेंट साइट्स और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि थ्री कंप्यूटर्स आर अवेलेबल। तो एक टास्क है, उस टास्क को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, राइट। सो दैट इज द रीजन वी आर सेइंग दैट दिस प्रोवाइड कंकरेंसी बट दिस फेल इन कंकरेंसी। अब यदि हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे आपको शेयर करने जा रहे हैं, प्रोसेसर कम्युनिकेट इच अदर थ्रू बसेस। तो यहाँ पे जो भी मल्टीपल प्रोसेसर होगा वो क्या होगा, कम्युनिकेट करेगा बसेस के थ्रू। बट यहाँ पे जो कंप्यूटर की कम्युनिकेशन होगी वो मैसेज पासिंग के थ्रू होती है। तो कंप्यूटर ऑल्सो कम्युनिकेट इच अदर एंड यहाँ पे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है और कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं उसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है जो भी टास्क होगा। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव, पैरेलल कंप्यूटिंग इज यूज टू इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो हम अभी बता रहे थे आपको कि ये किस लिए यूज किया जाता है, पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज कहाँ पे पड़ेगा। तो पैरेलल कंप्यूटिंग को हम लोग यूज वहां पे कर पाएंगे जहां पे हमें बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत है और साइंटिफिक कैलकुलेशन की जरूरत है, वहां पे हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। अभी हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स,
यहाँ पर वो देख पा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, सेम प्रॉब्लम का जो रिडंडेंसी है इसमें ज्यादा होगा, मतलब कुछ जो प्रॉब्लम हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं इस कंप्यूटर से, सेम प्रॉब्लम को हम लोग दूसरे कंप्यूटर से सोल्व कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यदि कोई एक पर्टिकुलर कंप्यूटर फेल भी हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का जो रिजल्ट है वो फेल नहीं हुआ। सो रिडंडेंसी है बट इट विल प्रोवाइड सॉल्यूशन थ्रू अनदर कंप्यूटर और अनदर साइट्स। सो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज यूज टू शेयर रिसोर्सेज एंड टू इंक्रीज स्केलेबिलिटी। इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम रिसोर्सेज क्या है, शेयर किए जा रहे हैं, तो रिसोर्सेज जब शेयर होता है सो दैट इज द रीजन टू इंक्रीज स्केलेबिलिटी। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपको ये भी बताया कि सिंगल पॉइंट फेल्यूअर डजंट मैटर, एंड इसके लिए हमने एक पॉइंट लिया है कि इंक्रीज स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है। सो एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू डायनेमिकली एडजस्ट इट्स ऑन कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस बाय चेंजिंग अवेलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज को क्या है, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, सो दैट स्केलेबिलिटी विल बी इंक्रीज। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम इन डिटेल्स।